अरे आप तो आँख खुले जब जागे तभी सवेरा जी, अभी आँख खुल सकता है उनका, जाने नहीं खुलेगा तो बिहार की जनता आँख परमानेंट बंद कर देते हैं। गठबंधन में साथ है, कभी मुलाकात बातचीत हमारी क्या जरूरत है उनको जी, वो जेडीयू के नेता हैं, मैं बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता हूँ, हमसे क्या मतलब। इनको हम नजर से दूर होने देंगे, इनको अब जरा हमके सामने पूछते रहेंगे कि श्रीमान जी आप बोलिए कम काम ज्यादा करिए। अच्छा सर एक बात, एक दो कि 4000 ला रहे थे, 4000 सीट ला रहे थे, तो जब 40 में 39 लाए थे वो तो किसी को याद नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को भी जाएंगे उसकी क्या, उसके क्या विचार है, क्या सोच है, क्या उन लोग अपने उनका प्लान है, तो जनता के बीच में जाइएगा तो हम पटना में रह करके तय कर लेंगे कि हमारा जो है वाल्मीकि नगर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आरसीपी सिंह फ्रेम में आ गए हैं। काफ़ी लंबे समय से सर गायब थे, नज़र नहीं आ रहे थे। हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी सर अंदर अंदर तैयारी तो कर रहे थे लेकिन फ्रेम से आउट थे। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सर की सक्रियता बढ़ गई है, इनसे हॉट टॉक करने के लिए हम आ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पटना में स्वागत है आपका। पटना तो बिहार की राजनीति है जी, जी। पटना में मैंने पढ़ाई किया, मैंने यहीं से ISC किया, मैंने यहीं से BA ऑनर्स किया, पटना से ही मैंने UPSC की परीक्षा दी। पटना तो हम लोगों का पुराना सब रहा है और पटना में तो रहे इतने वर्षों तक, 2005 से लेकर 2022 तक तो पटना में रहे ही। जी जी जी, एक लंबे समय के बाद मुझे लगता है आप पटना में आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में हम देख रहे हैं समर्थक भी आपके अलग अलग जगहों से आए, क्या रणनीति है आपकी। देखिए हमारे जितने लोग आप देखिएगा ना, मिलिएगा सबसे, हम जब जनता दल यू में रहे या ऐसे भी मैं जहाँ भी रहा हूँ, प्रशासन में भी रहा हूँ, वहाँ UP जाके पूछ लीजिएगा, तो मेरा अपने जितने हमारे साथ रहते हैं लोग उनसे मेरा एक आत्मीय संबंध रहता है जी। और यही बिहार में मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला। एक समय था, आपको पता होगा, जब मैं था तो 42 लाख से ऊपर हमारे मेम्बर थे जी, तो वो तो हैं बिहार में ही ना। बिल्कुल, तो भाई हमने तो अपनी तरफ से किसी संबंध नहीं तोड़ा है, बहुत सारे लोग उन लोगों ने संबंध नहीं तोड़ा है, तो हम राय प्रयास होता है कि भाई टेलीफोन पर तो बातचीत होती ही रहती है, उन लोगों की इच्छा थी कि पटना में रहा जाए तो यहाँ आएंगे तो उनको मिलने में सहूलियत होगी। अब मैं गांव में रहता हूँ तो उनको जाने में थोड़ी समस्या होती है, तो पटना में रहने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी बिहार के हमारे शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, साथी हैं, वो लोग आएंगे, उनसे बातचीत होगी। और राजनीति में होता क्या है, जब बातचीत करिएगा तब आपको जो है क्षेत्रीय समस्याओं की जानकारी होगी, किसानों की क्या समस्याएं हैं उसकी जानकारी होगी, विद्यार्थियों की क्या समस्याएं हैं उसकी जानकारी होगी, रोजगार के क्या क्या अवसर मिल रहे हैं उसकी जानकारी होगी, तो लोगों के साथ रहने पर ही ये संभव है। अब हम लोग पटना में रहेंगे, ये सही बात है कि बीच में मैं पटना में नहीं था, अब तो खैर हम रहेंगे, और जब हम रहते हैं तो मैं बाहर ही रहता हूँ ज़्यादा, मैं क्षेत्र में भी घूमता हूँ, जितने लोग तो क्षेत्र में ही रहते हैं। अब कोई हमारा, आप समझिए बेतिया में आज भी लोग आए हुए, लेकिन अब बार बार यहाँ नहीं आएंगे ना जी, जी। मैं वहाँ जाऊँगा उनसे ज़्यादा भेंट होगी। कोई हमारा बांका में आज भी लोग आए हुए हैं, जाएंगे वहाँ, किशनगंज है, कैमूर है, तो हम सब लोगों के साथ रहे हैं और हमारा रिश्ता रहा है, और वही रिश्ता जो है हमारी ताकत भी है, और हमारे कार्यकर्ताओं का हमेशा एक लगाव हमसे रहता है। तो हम इसके दरमियान, अब जो हम ठीक कर रहे हैं आपकी, दो साल से हम फ्रेम से बाहर हैं जी, जी। तो पता भी चलेगा कि भाई आज की तारीख में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या सरकार ने अच्छे काम किए हैं, कहां कहां पर सरकार की विफलता है। और आज आप देखिए ना कि भाई एक बात समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए, कि बिहार के लिए तो स्वर्णिम अवसर है ना, कि केंद्र में भी NDA की सरकार, बिहार में भी NDA की सरकार, दोनों जगह ताकतवर नेतृत्व आपके पास है। अगर आज भी बिहार में अगर बेरोजगारी की समस्या के लिए कोई स्पष्ट खाका न तैयार हो, उसको अमली जामा नहीं पहना जाए, तो फिर भाई बिहार की जनता तो कभी माफ़ नहीं करेगी ना। ऐसा अवसर बहुत कम मिला है ना कि दोनों जगह सरकार है, मजबूत सरकार है, तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना। और सिर्फ इससे नहीं होगा कि बिहार में जब भी जाइए तो लोग बोल देगा विशेष राज का दर्जा, विशेष राज का दर्जा, विशेष राज का दर्जा 2012-13 में पूरे बिहार में हम लोग ड्राइव चलाए थे, गांधी मैदान भर दिया गया था, दिल्ली में हम लोग रामलीला मैदान चला दिया था, कितने साल हो गए, कुछ हुआ क्या। जिसमें हम लोग चला रहे थे, हमारे से नीचे था उड़ीसा, उड़ीसा को विशेष राज का दर्जा नहीं मिला, लेकिन उड़ीसा आज हमसे 9 स्टेज ऊपर चला गया, हम नीचे ही हैं और नीचे चले गए। और जब पूछिएगा यहाँ तो लोग बोलेगा विशेष राज का दर्जा। अरे कमी सर, किसके किसके सरकार में कमी रही? कमी देखिए, हम कमी की बात ही नहीं कर रहे हैं,
पहले हम लोग क्या कहते थे, केंद्र में दूसरी सरकार होती थी, अब तो आप भी यही हैं, वो भी वही हैं। और मैंने तो बताया ना कि प्रधानमंत्री तो धन्यवाद के पात्र हैं जी, कि बिहार के 8 मंत्री अभी बनाए हैं उन्होंने, 4 कैबिनेट के हैं, 4 राज्य के हैं, सिर्फ एक मंत्री को छोड़ दिया जो गृह राज्य मंत्री हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार के सीधे अवसर नहीं हैं। लेकिन अगर आप देखिए जितने मंत्रालय इन लोगों को दिए हैं, आप गिरिराज बाबू को ले लीजिए, टेक्सटाइल, बताइए देश में साहब सबसे ज़्यादा रोजगार किसान खेती के बाद इसी क्षेत्र में, टेक्सटाइल क्षेत्र में। लेकिन आज तक बिहार में टेक्सटाइल के क्षेत्र में कोई काम हुआ क्या? देश में NDA सरकार 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रही है, उसमें बिहार का नाम नहीं है। उसके पहले 31 और टेक्सटाइल पार्क बने, 21 अभी बन रहे हैं, कहीं बिहार नहीं है। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि भाई उन्होंने अपने विश्वास पात्र गिरिराज बाबू को बनाया यहाँ के टेक्सटाइल मिनिस्टर। तो गिरिराज बाबू से अपेक्षा यही है कि जब टेक्सटाइल पार्क बनाए, आप मंत्री बनाए गए हैं, तो सिर्फ आप महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु की चिंता मत करिए, आप बिहार से सांसद हैं, बिहार में आपको काम करना पड़ेगा। और एक नॉर्थ बिहार में और साउथ बिहार में एक एक मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रधानमंत्री से मिल करके कराइए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलता है। ललन जी का पूरा विभाग देख लीजिए, सारा का सारा रोजगार के अवसर है, चाहे वो आपका पशुपालन हो, डेयरी है, फिशरीज है, कितने उद्योग की संभावना है। आप चिराग पासवान जी का पूरा का पूरा फूड प्रोसेसिंग, और मांझी जी का तो पूछिए मत, MSME 1 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक का। तो भाई सारे के सारे उद्योग की जहाँ संभावनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के मंत्रियों को दे रखा है। राज्य में अपनी सरकार है, तो जो भी राज्य सरकार की समस्याएं जमीन से लेकर के होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, तो नीतीश बाबू करना पड़ेगा। आप देखिए बिहार की जनता को आप ये नहीं कह सकते कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए तो यहाँ होगा। देखिए अब बोलने का समय नहीं है, काम करने का समय है। अब बिहार की जनता चाहती है, आपसे अपेक्षा करती है कि जब उड़ीसा आगे बढ़ सकता है तो बिहार का ही नहीं आगे बढ़ सकता। लेकिन जदयू का तो मैनिफेस्टो ही जारी है कि यहीं बिहार का विशेष राज्य का ही दर्जा चाहिए, तभी बिहार विकास करेगा। अरे सुनिए, इन लोगों को कुछ पता है, कुछ जानता भी है विशेष राज्य का दर्जा कब से चल रहा है? विशेष राज्य का दर्जा का तो मैं बता तो दिया उसको। देखिए जनता दल यू के कौन किसको पता है जी, कुछ पता है किसी को? उसके उनके मुख्यमंत्री जी से जब कोई सवाल पूछे तो किसी को पता है? तो मैं तो बता रहा हूँ उनको कुछ नहीं पता है। कि हम बता दें जरा, उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा मिला? उड़ीसा आपसे नीचे था 2012-13 में, तो कहिएगा कि उनके पास तो मिनरल्स है, उनके पास तो जो है पूरा का पूरा कोस्टल एरिया बिहार में नहीं है क्या? बिहार में जब मिनिस्टर था मैं, पूछिए, मैं मुख्यमंत्री जी को बोला हूँ, ये आपका एजेंडा क्या है ना बिहार की जनता को? अब बच्चे यहाँ के बेरोजगार हो गए हैं, और ये जो है ना बिहार फिर से मजदूरों की मंडी नहीं बनेगी। आप जरा प्रधानमंत्री से मिलिए, अभी देखिए पूरे देश में आज देखिए क्या स्थिति है जी। आप दो जो सेमीकंडक्टर का यूनिट लग रहा है गुजरात में, प्रधानमंत्री जी वहाँ 2 लगाएं 20 लगाएं, उससे हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन 25 सांसद का गुजरात 2 सेमीकंडक्टर की यूनिट लगेगी, और बिहार में 40 सांसद, यूपी में 80 सांसद, एक नहीं लगेगा, और एक लगा रहे हैं आप वहाँ आसाम में, अच्छी बात कर रहे हैं। तो किसके वजह से नहीं लगा? यही मैं बता रहा हूँ, ये कमजोरी किसकी है? ये कमजोरी राज्य सरकार के, राज्य के मंत्रियों की है। प्रधानमंत्री सीधे बात करें कि भाई दो आप सेमीकंडक्टर लगा रहे हैं गुजरात में, हमारे बिहार में लगाइए। भाई पहले हम लोग पीछे रह गए कि हम लोग का उद्योग धंधा नहीं लगा, हमारे जितने माइंस सब हमारे साथ झारखंड था, सब लेकर के जाके बाहर में अब लगा दिए, और आज वो नया भी जब जो टेक्नोलॉजी का लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर का, तो बिहार अभी पीछे रहेगा, ये सब बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतने समय से सर आप लंबे समय से मतलब नहीं नजर आ रहे थे, ये बातें सर पहले उठाते तो शायद मंत्रियों का आँख भी खुलता। अरे अब तो आँख खुल, जब जागे तभी सवेरा जी, अभी आँख खुल सकता है उनका, जाने नहीं खुलेगा तो बिहार की जनता आँख परमानेंट बंद कर देगी। अच्छा, अब नीतीश कुमार आपके साथ है, मनीष वर्मा पुराने सहयोगी आ गए हैं जदयू में, कहा जा रहा है कि RCP सिंह के रिप्लेसमेंट है मनीष वर्मा। देखिए, अरे मनीष वर्मा हमारा रिप्लेसमेंट कैसे होता है? हमसे बेटर वो लोग है भाई, हमारा देखिए रिप्लेसमेंट क्या होता है? रिप्लेसमेंट होता है कि एक पुर्जा चला खराब खत्म हो गया तो दूसरा पुर्जा लगा सकता है। हमारा रिप्लेसमेंट देखिए, न तो हम मनीष वर्मा को रिप्लेस कर सकते हैं, ना मनीष वर्मा हमको रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो मैं मनीष वर्मा को बधाई देना चाहता हूँ, चलिए भाई नीतीश बाबू आपको लाए हैं। एक अधिकारी हटे जदयू से तो दूसरे अधिकारी को लाया गया। देखिए मैं अधिकारी तो बहुत पहले में हट गया था, देखिए वो कंपेरिजन में मत जाइए, लेकिन नीतीश बाबू का स्वभाव आप लोगों को नहीं पता है, उनका क्या काम है ना उन्हीं से पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब साथ आ गए हैं, गठबंधन में साथ है, कभी मुलाकात बातचीत? हमारी क्या जरूरत है उनको जी, वो JDU के नेता हैं, मैं BJP का साधारण कार्यकर्ता हूँ, हमसे क्या मतलब है उनका? अभी मुलाकात कुछ भी नहीं हुई, मतलब एज अ NDA के नेता के तौर पे तो हम NDA के नेता नहीं है ना भाई, हम NDA तो देखिए हम तो BJP के एक प्राइमरी मेंबर हैं, NDA के नेता तो हो ना जी, NDA के नेता ग्रुप में कभी बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अच्छा,
आपका ये अस्थाई पता है, राजनीतिक पता भी कुछ बदलने वाला है क्या? ये तो अस्थाई पता, ये हमारा अस्थाई कहाँ है, हमारा परमानेंट घर थोड़े है, ये तो किराए पर घर लिए हैं, जब तक किराया देंगे ये घर में रहेगा, किराया नहीं देंगे घर से बाहर चले जाएंगे। घर बदल भी सकता है? देखिए नहीं, घर बदलने के लिए हमारा तो घर परमानेंट पता है ही मुस्तफापुर, हम तो रहते ही वही हैं। किराए वाला घर बदलेगा कि नहीं? किराया वाला घर बदल भी सकता है? नहीं, किराया वाला घर तो हम इस घर की बात बता रहे हैं, हम जिस किराए पर आप जा रहे हैं ना, उस किराए पर मैं नहीं हूँ जी। चर्चा सर चल रही थी आपके बारे में कि पार्टी गठन, जो चर्चा करता है ना उसको कुछ पता नहीं होता है, जो चर्चा कर रहे हैं ना उनको क्या पता है मेरे बारे में। सर आपने घर के पूजन के बारे में डाला है ग्रुप में, तब से इस बात की चर्चा है कि आरसीपी सिंह एक गठन करने वाला है पार्टी का, तो कहल परेशान है वो लोग, इतनी बड़ी पार्टी है जी, इतने साल से सरकार चला, कहल भाई आरसीपी सिंह तो एक आज क्या है, साधारण बीजेपी का एक साधारण प्राथमिक सदस्य, तो उसे क्यों परेशान है, इतना लोग गृह प्रवेश कर रहा है पटना में जी, उस चर्चा का विषय नहीं, हमें वो गृह प्रवेश कर रहे हैं चर्चा का विषय हो गया, तो जाने वो इतने हमारे गृह प्रवेश से इन लोगों को परेशानी हो रही है, तो आप समझिए क्या औकात है इन लोगों की, अचानक से पटना में आए इतना अचानक से, अरे हम पटना तो आते ही रहते हैं अचानक, अब हम तो बताए हम पटना पढ़े हैं, पटना में हम पढ़ाई लिखाई किए, पटने में हम यूपीएससी की परीक्षा देकर पास किए, पटने में हम यहाँ पर इतने साल तक रहे, तो पटना हमारा अचानक है। अब हाँ ये लोग जरूर चाहता होगा कि आरसीपी सिंह नजर से दूर हो गए तब हम लोग निश्चिंत रहेंगे, देखिए बिहार के लिए इनको हम नज़र से दूर होने देंगे, इनको आप जरा हमके सामने पूछते रहेंगे कि श्रीमान जी आप बोलिए कम काम ज़्यादा करिए। अच्छा सर एक बात, एक दो तीन प्रश्न और अंतिम है, कुशवाहा समाज को लेकर के बड़ी राजनीति बिहार में गर्म थी, शाहबाद की 6 सीटें कुशवाहा समाज की वजह से कहा जा रहा है कि हार का सामना करना पड़ा, आप क्या समीक्षा कर रहे हैं कि सीट कैसे गड़बड़ा गया? अच्छा आप जरा पूछ लीजिएगा इन लोगों से, 2019 के चुनाव में 40 में 39 जीते थे, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था, पूछिए सवाल ना जी। जो एक जाति कोई लोग टारगेट कर रहा है उसमें कुशवाहा समाज नहीं था क्या? देखिए ये बहुत ही घटिया सोच है, किसी एक समाज को आप टारगेट करते हैं, 40 में 39 जीते थे जी। और मैं बोलता था उस समय भी किशनगंज में अगर हमको 40,000 वोट आएगा तो 40 जीतेंगे, और ये लंबा भाषण कर रहे थे कि 40 में, अरे मुख्यमंत्री तो 400 सीट ला रहे थे कि 4,000 ला रहे थे, 4,000 सीट ला रहे थे, तो जब 40 में 39 लाए थे वो तो किसी को याद नहीं है, लेकिन 40 में फिर भी 30 जब आया है तो दोष दे रहे हैं कुशवाहा समाज को। अरे अपने में झाँ किए देखिए, मैं बता दूं सारे कार्यकर्ता हैं, एनडीए का किसी भी कार्यकर्ता का क्या मान सम्मान है पता कर लीजिए, किसी कार्यकर्ता को सुख दुख पूछने वाला है क्या, पता कर लीजिए किसी को, जो नेता लोग हैं अपना पटना में रहते हैं चक्कर काटते रहते हैं, दो चार काम हो गया जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं को जाइए, चाहे हमारा जेडीयू कार्यकर्ता हो, बीजेपी का कार्यकर्ता हो, किसी पार्टी कार्यकर्ता हो, देखिए उसका कोई सम्मान करने वाला है, उसका सुख दुख में कोई जाने वाला है? तो आप देखिए जब आपका कार्यकर्ता ठंडा पड़ जाएगा उसमें जोश नहीं रहेगा तो श्रीमान जी 4,000 कहाँ से लाइएगा, 40 लाने में मुश्किल हो जाएगा। तो हम तो इसलिए अब जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के पास, सबका हाल चाल पूछेंगे, भाई काहे जो उत्साह था वो नहीं है, काहे घर में बैठे हुए, क्या समस्या है, ये हम करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता ही तो पूरे प्रदेश की पूरे अपने हमारे उसकी पूंजी है ना जी। बीजेपी से नाराजगी लग रही है आपकी? हमारी किसी से नाराजगी क्यों होगी जी, बीजेपी तो मेरे आए अभी 1 साल से हुआ है बस, मेरी नाराजगी क्यों होगी बीजेपी को, मैं प्राथमिक सदस्य हूँ, मैं क्यों किसी से नाराज हूँगा? अरे आप जरा समझिए, आपकी आप अपनी बात मेरे मुँह में डालते हो, मैं क्यों नाराज हूँगा उनसे, ऐसा तो नहीं था ना कि मैं कुछ बहुत बड़ा था और बीजेपी ने मुझे वहाँ से हटा दिया, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो प्राथमिक सदस्य हूँ, मेरी क्या नाराजगी होगी? पुराने जो आपके सहयोगी हैं साथी हैं जब जदयू आप छोड़े थे, उन सब साथ अब सब अलग अलग हो गए, अलग अलग दल बना के रहे हैं, उन पर क्या कहिएगा आप? देखिए हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते जी, सबकी अपनी अपनी सोच रहती है, अपनी अपनी उनकी प्राथमिकता रहती है, लेकिन हाँ हमारे साथ जितने भी संगठन के लोग पूरे बिहार में, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूँ कि मेरा उनसे लगाव है और रहेगा। उस समय भी चर्चा चली थी कि आरसीपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक संगठन बनाएंगे, जदयू नहीं बीजेपी नहीं अपना एक संगठन रहेगा। देखिए हम तो आपको बताए ना कि हम जनता के अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, उसकी क्या उसके क्या विचार है, क्या सोच है, क्या उन लोग अपने उनका प्लान है, तो जनता के बीच में जाइएगा, तो हम पटना में रहकर तय कर लेंगे कि हमारा जो है वाल्मीकि का कार्यकर्ता ही चाहता है, बांका कार्यकर्ता हमारा ही चाहता है, किशनगंज का, हम जाएंगे तब ना पता चलेगा। देखिए आप जब उनके बीच जाइएगा उनके बीच बैठिएगा तब आपको समझ में आएगा। एक अंतिम प्रश्न, विधानसभा का चुनाव उसकी तैयारी है? देखिए हम लोग सब लोग पोलिटिकल लोग हैं,
समझे ना, और ये तैयारी परमानेंट चलते रहती है। और भाई तैयारी क्या होती है, देखिए आपको मुख्य क्या होता है कि भाई आप, मैंने बताया ना कि भाई बरसों से शासन है यहाँ, तो सवाल है कि जब जनता के बीच में जाइएगा तो कहेगा कि भाई हमारी अभी समस्या ही बाकी है, तो आपको कोई ना कोई रोड मैप तो रखना पड़ेगा ना। आप रोड मैप नहीं दीजिएगा तो क्या जाइएगा जनता के बीच में। और विशेष राज्य का दर्जा उर्जा वाला ना, इसे वो कहिए उस चैप्टर में उस पर लगा, नहीं क्लोज नहीं, उसको प्रणाम कर लें, समझे ना। अब नहीं हो सकता है, फिर आप बात बोल रहे हैं, हमारे 2000 के बाद किसी को मिला है क्या, और 2000 के बाद देखिए और प्रदेशों में क्या स्थिति बनी है। तो ये तो लोगों को बरगलाने का है, अब बिहार के लोग बरगलाने वाले नहीं आने वाले। 25 में मजबूत NDA गठबंधन रहेगा ये कहना मुश्किल है भाई। आप अपना जनता का काम करिएगा तब ना मजबूत रहिएगा, जनता काम नहीं करिएगा तो पता नहीं क्या होगा, और जनता काम करिएगा तो आज जो है उससे ज़्यादा मजबूत होइएगा। चलिए, तो हमारे साथ RCP सिंह थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, भाजपा के नेता हैं, और इन्होंने बड़ी प्रमुखता से अपनी बातों को रखी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीटों पर हार हुई है, समीक्षात्मक रूप से इन्होंने अपना बयान दिया। 25 में क्या कुछ रणनीति बनेगी, इसको लेकर के हमने चर्चा की है। फिलहाल हॉट टॉक में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। देखते रहिए हमारा चैनल, आप भी अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। PayTM नंबर नोट कर ली, 9386816।